बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सा देश पोलियो से मुक्त हो गया है? ए अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी भारत या डी ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपराधियों ने 27 वर्षीय युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में गई जान। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में गोली से जख्मी एक 27 वर्षीय युवक का इलाज के दौरान जान चली गई। मृतक युवक राकेश कुमार तांती उर्फ रॉकी साकिन रामनगर मोर्चा नया रामनगर जिला मुंगेर का निवासी बताया जा रहा है। मृतक के भाई ने कहा कि मृतक भाई पानी वाला गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था, इसी क्रम में हथियार से लैस 7 अपराधी ने रामनगर मोर्चा के समीप गोली मार दी, जिससे मेरा भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक कोरोना का संदिग्ध की बात भी सामने आ रही है, जबकि परिजन का कहना है कि विगत कुछ दिन पहले ही उसकी कोरोना की जांच करवाया गया था, तो कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आया था। बावजूद कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मामला था कि सर मेरा भाई आ रहा था उधर से पानी लगाने लगे, अंडा खाने लगा, उधर से आया धड़ाक धड़ाक, 7 अपराधी था उसमें। उसके बाद उसको गोली से माथा में गोली में जहाँ था। कहाँ से आ रहा था? पानी वाला गाड़ी लेकर आ रहा था, ड्राइवर था आगे, पीछे से आ रहा था। ये अपने पत्नी के साथ में आ रहा था पीछे से। किसी से पुरानी दुश्मनी थी इसकी? पुराना दुश्मनी तो नहीं था सर, मगर लोग को प्लान था मरने का। फिर जो मारा उसका नाम उम है? जी नाम है सर। क्या है नाम बताइए? नाम है चंडी ताती, कुंदन ताती, दिनेश ताती, सीता देवी और आकाश कुमार, लालू ताती, गोरख ताती। आपके भाई का क्या नाम हुआ? रोकी कुमार, राकेश कुमार रोकी। इनको कोरोना बीमारी भी है? कोरोना बीमारी तो नहीं था सर, नहीं था, सबके साथ खत्म। जांच में यहाँ पाया गया तो ये बात हम नहीं जानते सर, कोरोना बीमारी का पहले से कुछ हल्ला नहीं था। उसके बाद जांच भी कराया मैंने, 2-4 दिन पहले गांव में आया था जांच कराने, मगर कुछ नहीं था। यहाँ कैसे नहीं था पता नहीं, ये बात हम नहीं जानते सर। लाल मोहन गुप्ता। आपका क्या भाई है? कौन? छोटा भाई, रामनगर मोर्चा। ये घटना कहाँ हुई थी? राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल के पास। कहाँ? भागलपुर नगर निगम के सामने फोटो खींचने पर शख्स को पीटने वाली राजद नेत्री फेसबुक पर हुई ट्रॉल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा नारी का सम्मान नहीं हो रहा। विगत कुछ दिन पहले भागलपुर के नगर निगम के सामने राजद नेत्री के फोटो खींचने पर एक शख्स को पीटने के मामले में फेसबुक पर लगातार ट्रॉल होने पर राजद नेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नारी का सम्मान नहीं हो रहा है। मुद्दा क्या है? 22 तारीख को जो घटना घटी नगर निगम के गेट के पास, मैं ये बताना चाहती हूँ सभी को कि वो जो आदमी को आज बहुत लोगों ने सपोर्ट करने जा रहे हैं उनके घर पे, पहले उनके बारे में जानकारी ले ले। और जब न्यायालय में कोई बात जाती है तो दोनों तरफ से पूछा जाता है, दोनों तरफ का पक्ष रखा जाता है। वो आदमी बहुत देर से बहुत गंदी हरकत कर रहा था और आधे घंटे से कम वो हरकत कर रहा था। जब मैंने पूछा कि भैया आप क्या मेरे फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इतनी हूँ सोशल वर्कर हूँ, फ़ोटो तो आते ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने इतने गंदे शब्द का प्रयोग करके और बोला कि मैं हमको सीमा सा भेजे हैं और दौड़ गया। उनको दौड़ने का क्या जरूरत था? वो सीधे बोल देते कि हाँ फ़ोटो खींचे, मामला वहीं ख़त्म हो जाता। ये फ़ोटो का मुद्दा नहीं है, लेकिन भागलपुर के कुछ लोग जातीय रंग दे रहे हैं कि मिश्रा हो गए। मैंने जब पूछा था तो मैंने जाति नहीं पूछा था उनसे, मेरी जातिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन कुछ लोग, मैं 2 दिन से चुप थी, सोशल मीडिया पे कुछ लोग इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत आहत हूँ कि एक नारी के सम्मान के लिए आज कोई खड़ा नहीं है। आज कोई बहुत लोग जातीय रंग दे रहे हैं और इसके पीछे
पर्दे पे जो ये रंग मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सब पे FIR करूंगी और जातीय रंग नहीं दें। ये देखिए, ये शिवचंद्र झा है जो ये कहा कि यीशु सिंह के मुंह पे थूकेंगे। क्या यही बात है? क्या हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर थूका जाता है? हाँ, उसके बाद ये देखिए, कुछ शहर के जन माने माने हुए लोग वो जाते हैं उनको जूस पिलाने के लिए। वो दोनों पक्ष का बात रखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने इतनी गंदी तस्वीर ली और उसे इस तस्वीर को क्रॉप्ड किया गया। और बताइए, जब मैं पूछी तो बोला बहुत गंदा सा वर्ड है। और मैं उस समय इसलिए चुप रही, जब उसे बहुत लोग में हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसको छुड़वाया क्यों गया। मैं जब जोक्सन टीओ पी गई, बहुत देर से उनको देख रही थी कि वो मोबाइल के लिए छटपट छटपट कर रहे थे। उनके मोबाइल में बहुत सी असली तस्वीरें पाई गई और पॉर्न वीडियो पाया गया जो थाना इंचार्ज के समक्ष देखा गया। अब मैं सबसे पूछती हूँ, क्या मैं अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं डर सकती? क्या मेरे मुंह पे थूकने की बात ये सही है? बताइए, क्या करूँ मैं? मैं क्या करूँ? मैं बहुत आहत हूँ इस बात के लिए। अगर लोग कहते हैं कि ईंट का ईंट बजा देंगे, निशु सिंह ये करे, तो मैं सबसे पूछती हूँ कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला पे गंदा अभद्र टिप्पणी करता है तो क्या इसको सही माना जाएगा? अगर इसको सही माना जाएगा तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को और घृणा करती हूँ कि कुछ लोग इतने गंदे मानसिकता लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं 2 दिन से छुप बैठी थी, बहुत आहत हूँ मैं। नवगछिया SDO ने पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ की शांति समिति की बैठक, दिए कई निर्देश। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में गुरुवार को SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में मोहर्रम तैयारी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद भारती सहित सभी VDO CO थाना अध्यक्ष एवं विभिन्न प्रखंड के गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में COVID-19 को लेकर सरकार के नियमानुसार त्यौहार मनाने पर चर्चा हुई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में SDPO प्रवेंद भारती ने सभी का स्वागत करते हुए मोहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोहर्रम त्यौहार पर निशान पहलाम जुलूस नहीं निकालते हुए पर मनाने हेतु सभी उपस्थित सदस्यों को बताया गया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर शस्त्र प्रदर्शन भी नहीं होगा, मजलिस मरसिया पढ़ने वाले ही इमाम बारा जाएंगे, जहां साफ सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन कराया जाएगा। साथ ही इस मौके पर उन्होंने सिया कुफ बोर्ड एवं सुनी कुफ बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को सभी को पढ़कर सुनाया। इस दौरान उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष से मोहर्रम को लेकर की गई तैयारी के संदर्भ में जानकारी ली। नवगछिया वाहन चेकिंग अभियान में 52 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 52 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 2600 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वहीं इस अभियान में 2 वाहन से 2000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। राजेश को बीपुर और मुकेश को गोपालपुर का बनाया गया संयोजक, रवि रंजन बने जिला प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी मोर्चे पर सशक्त बनाने के लिए कमेटी बना ली गई है। इस दौरान गुरुवार को नवगछिया अनुमंडल के दोनों विधानसभा क्षेत्र के पार्टी अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा संयोजक की घोषणा की गई है, जिसमें जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार यादव को बीपुर विधानसभा और जिला मंत्री पलपुर विधानसभा का संयोजक बनाया गया है। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रवि रंजन को पार्टी का जिला प्रवक्ता बनाया गया है। इस मौके पर जिला मंत्री अजीत पटेल, IT सेल के सन्नी कुमार, भाजयुमो जिला मंत्री अनिश यादव, मुक्तिनाथ सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। वर्चुअल मीट में महिला मोर्चा के कार्यों की सराहना, बोली कुमकुम, हर हाल बिहपुर में खिलेगा कमल। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा बिहपुर विधानसभा के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जिला पार्षद कुमकुम देवी ने किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री चंपा कुमारी और धन्यवाद ज्ञापन अनामिका कुमारी ने किया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष लाजवंती देवी सहित प्रदेश महामंत्री एवं सोशल मीडिया प्रभारी और भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, गया यादव, आलोक शर्मा, सत्य प्रकाश झा, गगन चौधरी ने संबोधित किया। वहीं वर्चुअल मीट सम्पन्न होने के बाद जिलाध्यक्ष
कुमकुम देवी ने कहा कि महिला मोर्चा के हरेक कार्यकर्ताओं ने इस बार किसी भी हालत में बिहपुर में कमल खिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आधी आबादी जाग चुकी है, फिर का परस्त लोगों की एक भी नहीं चलेगी। वर्चुअल मीट में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। गोपालपुर के डिमहा में मिले दो कोरोना संक्रमित। PSC गोपालपुर द्वारा गुरुवार को मध्य विद्यालय डिमहा में शिविर लगाकर 100 ग्रामीणों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें दो ग्रामीण कोरोना संक्रमित पाए गए। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। सैदपुर के महादलित परिवारों ने अपने घर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज का तार हटाने की लगाई गुहार। सैदपुर के महादलित परिवार के सदस्यों ने अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया व विद्युत विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर अपने घरों के ऊपर से 11,000 वोल्ट के विद्युत तार के गुजरने के कारण भविष्य में होने वाली बड़ी घटना होने की संभावना बताते हुए तत्काल तार हटाने की गुहार लिखित आवेदन देकर लगाई है। आवेदन में फिरदौस पासवान, निरंजन पासवान सहित कई अन्य के हस्ताक्षर हैं। स्पर संख्या 6 के अप स्ट्रीम में भीषण कटाव, 20-25 मीटर में कराया गया बांस बल्लाकार ध्वस्त। इस्माइलपुर बिंटोली के बीच स्थित स्पर संख्या 6 के अप स्ट्रीम में गुरुवार की दोपहर से 20-25 मीटर में भीषण कटाव होने से जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव निरोधी कार्य के तहत करवाया गया बांस बल्ला और जियो बैग पिचिंग कार ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया। ध्वस्त हुए भाग को पुनर्स्थापित करने हेतु NC में बालू भरी बोरियां डाला जा रहा है, परंतु बोरियां नदी में समाती जा रही है। कटाव की सूचना पर देर शाम को मुख्य अभियंता इंजीनियर शशिशेखर पांडे, बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष इंजीनियर गिरिजानंद सिंह, विशेष रूप से प्रतिनियुक्त अधीक्षण अभियंता इंजीनियर सियाराम पासवान, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोहम्मद जफर असीद खान सहित कई अन्य पहुंचे और तत्काल 3 हाथी पांव लगाने का निर्देश दिया। बताते चलें कि इस वर्ष जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कटाव निरोधी कार्य करवाया गया था। इसके तहत स्पर संख्या 6 का पुनर्स्थापन तथा स्पर संख्या 6 से लेकर 5N1 तक बांस बल्ला गाड़ कर जियो बैग पिचिंग कार्य करवाया गया था। बांस बल्ला कार्य को सुरक्षित रखने हेतु अलग से करोड़ों रुपए खर्च कर कार्य करवाया गया था। सनद रहे कि पिछले एक दशक से लगातार कटाव होने के कारण गंगा नदी तटबंध के करीब पहुंच गई है। नवगछिया, गनौरी सिंह हत्याकांड का आरोपी धराया। रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर हत्याकांड मामले में आरोपी रंगरा ओपी क्षेत्र के सधवा निवासी पवन हरि को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया SP स्वप्नाजी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त आरोपी सोहरा निवासी गनौरी सिंह हत्याकांड में फरार चल रहा था। जानकारी मिली है कि पवन हरि इस हत्याकांड का एकमात्र आरोपी है। ढोलबज्जा, अज्ञात पिकअप ने दूध व्यवसायी को मारा ठोकर हुआ फरार। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा बिशु राउत पुल के संपर्क पथ प्रताप नगर हाई स्कूल के समीप गुरुवार की रात करीब 10 बजे एक अज्ञात पिकअप ने कंचनपुर कदवा निवासी दूध व्यवसायी दिनेश यादव के पुत्र मनीष कुमार को जोरदार ठोकर मारकर फरार हो गया। मान्य पब्लिक स्कूल कदवा के निर्देशक मुकेश कुमार ने बताया कि पिकअप वैन काफी तेज रफ्तार में भटगामा 0 माइल की तरफ जा रहा था। मनीष साइकिल से दूध पहुंचाकर वापस घर जा रहा था, इसी बीच पिकअप से धक्का लग गया। मनीष के बाएं पैर पर गंभीर चोट लगने से वह जख्मी हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही कदवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437।